स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी ड्रीम जोन में। क्या आपको मालूम है कि सहारा रेगिस्तान में भी कभी बर्फबारी हुई थी? इतिहास का यह इकलौता ज्ञात समय है जब सहारा रेगिस्तान में भी बर्फबारी हुई और यह बर्फ बहुत ही जल्दी पिघल भी गई। और क्या आप जानते हैं कि ब्लू व्हेल के दिल का आकार एक छोटे कार जितना होता है? इतना बड़ा दिल, क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में भी? इस वीडियो में आपको मैं ऐसे ही अजब गजब फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, ओ व्हाट अ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 10, यूएस के अलावा सऊदी अरेबिया से यूट्यूब पर व्यूज सबसे ज्यादा आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरेबिया में टीवी, फेसबुक और ट्विटर पर बैन है। फैक्ट नंबर 9, अर्थ 2.0 यह ग्रह खोजा गया था। अब तक खोजे गए ग्रहों में यह ग्रह की विशेषताएं पृथ्वी से सबसे ज्यादा मेल खाती है। इस ग्रह को 2015 के केपलर टेलीस्कोप ने खोजा था। फैक्ट नंबर 8, एक औसत इंसान हर दिन 1 से 2 लीटर लार तैयार करता है जो एक साल के हिसाब से 730 लीटर होती है। औसत जीवन काल 70 साल माना जाए तो इसमें मनुष्य अधिकतम 51,100 लीटर लार तैयार करता है। ये लार की मात्रा 2 स्विमिंग पूल को भरने के लिए पर्याप्त है। फैक्ट नंबर 7, सेंट लुसिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम एक महिला के नाम पर दिया गया है। सेंट लुसिया का शोध फ्रेंचों ने लगाया था। वे 13 दिसंबर को इस द्वीप पर पहुंचे थे, तब सेंट लुसी का पर्व चल रहा था, इसीलिए उन्होंने इस द्वीप का नाम सेंट लुसिया रख दिया। फैक्ट नंबर 6, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर चाइना में बैन है। इतना ही नहीं बल्कि 8,000 से भी ज्यादा डोमेन नेम्स भी चाइना में बैन है। फैक्ट नंबर 5, 18 फरवरी 1979 के दिन सहारा रेगिस्तान में 30 मिनट तक बर्फबारी हुई थी। इतिहास का यह इकलौता ज्ञात समय है जब सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई थी और यह जो बर्फ है वो बहुत ही जल्दी पिघल भी गई थी। फैक्ट नंबर 4, अपने जीवन काल में आप लगभग 38 दिन ब्रश करने में ही गवा देते हैं। 2 मिनट प्रतिदिन माना जाए तो ये आपके जीवन काल का 0.1% हो जाएगा। फैक्ट नंबर 3, ब्लू व्हेल विशालकाय मछली के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ब्लू व्हेल के नसों में 3 से 4 साल का बच्चा तैर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ब्लू व्हेल के दिल का आकार जो होता है वो एक छोटे कार जितना होता है। फैक्ट नंबर 2, HP यानी हेवलेट पैकर्ड इस कंपनी का नाम सिक्का उछालने के बाद तय किया गया था। दरअसल इस कंपनी के हेवलेट और पैकर्ड ये दो संस्थापक थे। हेवलेट और पैकर्ड और पैकर्ड हेवलेट, इनमें से कौन सा नाम फाइनल किया जाए यह एक सिक्के ने तय किया था और आपको मालूम ही है कि हेवलेट पैकर्ड यह नाम चुना गया। फैक्ट नंबर 1, अंटार्कटिका के ग्लेशियर में लगभग 3% बर्फ पेंगुइन के यूरिन से बनी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंटार्कटिका तापमान हमेशा ही 0 डिग्री से नीचे होता है। ऐसे कम तापमान में पेंगुइन का यूरिन इवेपोरेट नहीं हो पाता और वो ग्लेशियर में बर्फ बन जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इसमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। स्क्रीन पर आपको और 2 वीडियोस दिख रही होंगी, उन वीडियोस को देखिएगा जरूर, क्योंकि वीडियोस बहुत ही अच्छी बनी है।